भाई ये है जन्नत, ब्यूटीफुल भाई, जबरदस्त। मतलब मार्च में भी आपको अगर बर्फ देखने को मिले तो भाई यहाँ पे आ जाओ, इसके अलावा और कहीं पे भी मेरे हिसाब से नहीं मिलेगी। आपको बहुत हाइट पे जाना पड़ेगा, उसके लिए आपकी गाड़ी नहीं जा सकती उस एरियाज में। अगर देखनी है तो यहाँ आ जाओ, जगह मैं बताता हूँ। सो भाई स्नोफॉल हो गई है, जबरदस्त वाली हैवी स्नोफॉल, मजा आ गया भाई, एक नंबर मौसम हो गया। ओए होए क्या जबरदस्त, मतलब आना वसूल, पैसे वसूल। Hey guys, welcome back to the channel. So, क्या हाल चाल आपके, आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया। तो मैं हूँ अभी फिलहाल चौपटा में, और भाई वेदर देखो एक नंबर मौसम हो रखा है, और झरना, मैं अभी रुका था यहाँ पे, होटल से निकला हूँ जस्ट अभी मॉर्निंग में, और भाई निकलते ही झरना मिल गया। अभी ये रास्ता जाता है सीधा चौपटा तुंगनाथ महादेव के टेम्पल में। तुंगनाथ महादेव के दर्शन आज नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ है, और यहीं अभी कुछ दूर चलने के बाद बर्फ बहुत ज़्यादा रास्ते पर भी मिलने वाली है। तो चलते हैं, बर्फ देखते हैं और दिखाते हैं आपको। यहाँ से और चौपटा तक का जो रास्ता है वो बहुत ही खूबसूरत है। बारिश हो गई चुकी है भाई, कल से जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं बारिश ही बारिश होती जा रही है, और भाई मौसम एक नंबर हो गया बारिश की वजह से। और रास्ते कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है, मजा आ गया रास्ता देख के। और भाई यहाँ से बता रहे हैं, मैं पीछे अभी बात हुई थी एक लोकलाइट थे, उनसे मेरी बात हुई तो वो बता रहे हैं 4 से 5 किलोमीटर बाद हमें यहाँ पे बर्फ देखने को मिल जाएगी, यानी चौपटा से पहले ही, क्योंकि चौपटा अभी 15 से 16 किलोमीटर है यहाँ से, और बारिश की वजह से लैंडस्लाइड कई एरियाज में हो चुकी है। अभी हमारा गुप्त काशी ऊपर जाने का प्लान था, बट होटल वालों ने हमें रोक दिया कि अभी मत जाओ आप, क्योंकि ऊपर से लैंडस्लाइड हुई है, और लैंडस्लाइड में एक कौन सी गाड़ी थी, 7 सीटर गाड़ी थी कोई, उसके ऊपर भाई पहाड़ गिर गया वो सारा। मेरे को अगर दोबारा जाने पे अगर उनके पास से वो फोटो मिल गई तो मैं फोटो स्क्रीन पे लगा दूंगा, दिखा दूंगा कि उस गाड़ी की कंडीशन क्या हो गई है भाई, बिल्कुल यूं पिच गई है वो गाड़ी, इतना बुरा कंडीशन हो गई उस गाड़ी की। बट यहाँ नहीं, दरार नहीं रहा, मत डरो, बट वेदर देखो और भाई एरिया देखो, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बारिश की वजह से छोटे छोटे झरने पूरे रास्ते में आ गए हैं, क्योंकि ऊपर पहाड़ों पे जो पानी गिर रहा है वो छोटी छोटी नालियों से बहता हुआ एक जगह बहुत बड़ा एरिया बन जाता है, और वहां से फिर एक साथ गिरता है, वो और खूबसूरत लगता है। यहाँ से भाई बर्फ स्टार्ट हो जाती है, और ये बर्फ आगे चौपटा तक है, जितना और हाइट पे जाते रहेंगे उतनी और ज्यादा बर्फ होती चली जाएगी, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है। और ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ का नजारा, कहीं अच्छी सी बर्फ देख के भाई उतरेंगे, मजा आ गया यार बर्फ देख के। हाँ रोड की कंडीशन देख लो, स्लिपरी नहीं है, सबसे बड़ी बात जो बर्फ है वैसी है, पिघलने वाली है, ये ब्लैक आइस में कन्वर्ट नहीं होगी क्योंकि मौसम चेंज हो गया ना। और भाई देखो स्नो पीक्स, ब्यूटीफुल यार। और आगे भैया जाने नहीं दे रहे, कहते कि रुक जाओ आगे नहीं जाएंगे, यहीं पे ही मंदिर में दर्शन करते हैं और देखते हैं। बट कितना खूबसूरत है भाई, एक नंबर, स्नो कवर्ड माउंटेन, ब्यूटीफुल, मजा आ गया। अपना सामान निकाल लो भाई, जिसको जो निकालना है थोड़ा बहुत, बंद कर दो, बचाओ बचाओ बचाओ, ये ओवर एक्साइट है सारे के सारे बर्फ को देख के। किस किसने फेंकी है बर्फ, ऊपर यहाँ से चौपटा करीब 12 किलोमीटर है, और यहाँ से खुद की गाड़ी प्राइवेट, मतलब जो लोग अपनी गाड़ी लेके आए हुए हैं उनको लेके नहीं जाने दे रहे ये टैक्सी वाले,
टैक्सी जा रही है और वो भी चोपटा से 1 किलोमीटर पहले 200 रुपीज पर सवारी ले रहे हैं। बट जब यहाँ इतनी स्नो है तो वहाँ जाके देखने का मेरा तो कुछ मन है नहीं, जस्ट बिकॉज के जो ड्राइवर हैं वो भैया एक गाड़ी में बैठते हैं, 2 पैक लगाते हैं और बाहर आ जाते हैं, तो पता नहीं भाई बच्चों के साथ रिस्की हो सकता है, तो इसलिए मैं तो प्रेफर करूँगा नहीं जाना। फिर भी कोई ढंग का ड्राइवर मिल गया तो देखते हैं। यार ये ड्राइवर ना थोड़ा ड्रिंक श्रिंक कर रहे हैं, मेरे को उसका अजीब लग रहा है यार। ये अभी देख ले अब बुला रहा है वो, इस गाड़ी में बैठ के ना ड्रिंक करके गए हैं ये, तुम क्या कहते हो? और प्रॉपर चौपटा भी नहीं लेके जा रहे, सेफ्टी वाइज देख लो भैया, ऐसा उस दिन हमने बर्फ देखी है ना। तू नहीं, आप बॉलिंग कर रही है क्या? ये ले। अरे नीचे से मत उठा, साफ नीचे वहाँ कोई खड्डा बड्डा हुआ ना, हो जाएगा तेरा पहुँचा भी। आप वहीं रहोगे, बॉल वहाँ से डालनी है, बॉलिंग वहाँ से करनी। अच्छा अच्छा ये लो, आप ये ले लो, ले लो ले लो ले लो, यहाँ नहीं आ सके, वहाँ गिर जाते हैं, ले जाओ, मानेगा नहीं। जी 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 जी। तो फिलहाल भाई यहाँ पे स्टार्ट हो गए स्नोफॉल, देखो धीरे धीरे आने लगी है, ये बर्फ पड़ रही है इसके बालों में, शिप्रा के भी बालों में बर्फ है और मेरे पे भी दिख रही होगी, अभी धीरे धीरे आ रही है और तेज होने वाली है, थोड़ी देर में तेज हो जाएगी। सो भाई स्नोफॉल हो गई है, जबरदस्त वाली हैवी स्नोफॉल, मजा आ गया भाई, एक नंबर मौसम हो गया, ओए होए क्या जबरदस्त, मतलब आना वसूल पैसे वसूल। क्या जबरदस्त है यार। मजा आ गया भाई, मजा आ गया, स्नोफॉल हो गई भाई। मैंने सच बताऊं ठंड भी लग रही है, बहुत मजा आ रहा, मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में स्नोफॉल देखा आज, मैं सच बता रहा हूँ, मैं इतने टाइम से ट्रैवल कर रहा हूँ बट कभी नहीं मिलता भाई स्नोफॉल, हैवी स्नोफॉल हो रहा भाई, हैवी स्नोफॉल, ओए होए। वो तो अपने ऊपर डाल के लाए थे, हमारे ऊपर तो ऊपर डाल दी भगवान जी ने। Thank you.
ऐसा नहीं है, मैं सोचता था जो स्नो गिरती है वो बहुत देर बाद इकट्ठी होके एक जगह वो मतलब फील देती होगी कि यहाँ स्नो पड़ी है, बट ये तो हल्की सी स्नोफॉल में 10-15 मिनट की स्नोफॉल होगी। सबके चेहरे पे खुशी आ जाती है भाई स्नोफॉल से, देखो सामने वाले भी कूद रहे हैं नाच रहे हैं। यहाँ यूजुअली पड़ती नहीं होगी, जहाँ नीचे आ गए ना हम, यहाँ देख साइड में नहीं है, बस वैसे स्नो है बट वैसे नहीं है।